सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का हमारा उद्देश्य आपको अपराध और अपराधियों के बारे में जागरूक करना। इस वीडियो को स्पॉन्सर करते हैं जमसागर मोबाइल ऐप। अब आप जमसागर संपूर्ण बुक को अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुका कालवा पर बनी फिल्म शूटर पर रोक। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी से मीटिंग के बाद पंजाबी फिल्म शूटर पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। यह फिल्म गैंगस्टर सुका कालवा की जिंदगी पर बनी है और घृणित अपराध, हिंसा, फिरौती, खतरों को बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को निर्देश दिए कि वह यह भी देखे कि फिल्म के निर्माता केवी ढिल्लो के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा फिल्म में प्रमोटरों, डायरेक्टर और एक्टरों के रोल से संबंधित मुद्दों को भी देखने को कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी किसी फिल्म, गाने आदि को चलाने की आज्ञा नहीं देती जो अपराध, हिंसा और गैंगस्टर या राज्य में अपराध को बढ़ावा देती हो। डीजीपी ने कहा कि मोहाली पुलिस के पास इस फिल्म के द्वारा कालवा को हीरो के तौर पर पेश करने को शिकायत मिली थी। इससे पहले भी पंजाब सरकार ने पंजाबी गानों में हथियार, मर्डर, अपराध आदि पर आधारित गानों पर रोक लगा दी थी व पंजाबी सिंगरों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई थी। आपको बता दें कि सुखा कालवा से पहले गैंगस्टर रूपिंदर गांधी पर बनी फिल्में रूपिंदर गांधी व रूपिंदर गांधी 2 ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कई रिकॉर्ड तोड़े थे तथा रूपिंदर गांधी 3 2021 में रिलीज होगी, इसका पोस्ट भी जारी हो चुका है। Thank you.